खेती तथा खेती से संबंधित संपूर्ण जानकारी के लिए अभी एग्रोस्टार एग्री डॉक्टर ऐप डाउनलोड करें और खेती से जुड़े रोचक विषयों पर वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। किसान भाइयों को डॉक्टर सतीश कुमार का नमस्कार। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे चने की फसल में लगने वाले कठुआ कीट के बारे में। किसान भाइयों, इस कीट का प्रकोप उन क्षेत्रों में अधिक देखने को मिलता है जहां पर वर्षा के समय खेत में पानी भर जाता है। इस कीट का जो इल्ली है वह चिकनी और मटमैले रंग की दिखाई देती है। इस कीट की एक विशेषता होती है, यह कीट दिन के समय खेत के ढेलों के अंदर छुपा रहता है और रात के समय निकलकर फसलों को नुकसान पहुँचाता है। यह कीट चने की टहनियाँ या कभी कभी पूरे पौधे को काट कर जमीन के अंदर छुपा देता है। किसान भाइयों, खेत में मुरझाई हुई टहनियाँ या कटी हुई टहनियों को देखकर यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस खेत में कठुआ कीट का प्रकोप है। किसान भाइयों, क्षतिग्रस्त पौधों के आसपास की मिट्टी को हटाकर देखने पर इस कीट की इल्लियाँ वहाँ दिखाई देती हैं। इस कीट के प्रकोप से फसल में बहुत नुकसान होता है और कभी कभी जो है दोबारा बुवाई भी करनी पड़ सकती है। इस कीट के नियंत्रण के लिए हम निम्न उपाय कर सकते हैं। पहला, ग्रीष्मकालीन जुताई गहरी जुताई अपन कर सकते हैं। दूसरा, क्लोरोपायरीफॉस 20% ईसी नामक 1 लीटर दवा 80 से 100 किलोग्राम बीज को उपचारित करके बुवाई करने से इस कीट का नियंत्रण कर सकते हैं। आखिरी जुताई के समय क्यूनाल फॉस 1.5% डीपी 23.33 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करने से इस कीट का नियंत्रण किया जा सकता है। किसान भाइयों, खेत में जगह जगह पर घास के ढेर बना देना चाहिए जिससे यह कीट उसके अंदर छुप जाता है और प्रातःकाल इसे वहां पर नष्ट कर देना चाहिए। किसान भाइयों, अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगे, महत्वपूर्ण लगे तो इसको लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।